क्या चल रहा है दोस्तों, शिव बिंदर में जेब्रोनिक स्टिंगरे हेडसेट को रिव्यू करने वाला हूँ। इस हेडसेट की जो प्राइस है वो है 650 रुपये, लेकिन ये आपको अमेजन के लाइटिंग डील के अंदर 500 रुपये के अंदर में भी मिल सकता है। इस हेडसेट पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको गेमिंग हेडसेट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इस गेमिंग हेडसेट के स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो ड्राइवर है 40 mm, इंपीडेंस है 32 ohms, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है 20 hertz से लेकर 20 kHz और सेंसिटिविटी लेवल है 98 dB। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करें तो ये हेडसेट जो है काफी लाइट वेट है और कम्प्लीटली प्लास्टिक से बना है, और बिल्ड क्वालिटी इस हेडसेट की काफी चीप लगती है। लुकिंग वाइज तो कूल है और ब्लैक एंड रेड कलर के अंदर ये गेमिंग हेडसेट आपको मिलेगा। इस हेडसेट के राइट साइड में आपको जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी और लेफ्ट साइड में माइक्रोफोन अटैच है इस गेमिंग हेडसेट के साथ में, और माइक्रोफोन फ्लेक्सिबल भी है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस गेमिंग हेडसेट को मैंने कुछ दिनों तक ही यूज मिला है और अभी से ही इसने जहाँ पे माइक्रोफोन अटैच है वहाँ से इसने अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर दिया है, तो लगता तो नहीं है कि ज्यादा समय तक भी टिक पाएगा। इस गेमिंग हेडसेट के हेडबैंड पर आपको पैडिंग नहीं मिलेगी और ईयरपैड्स के ऊपर जो पैडिंग है वो इतनी सॉफ्ट नहीं है, और पहनने के बाद में आप ये अपने आप से सवाल करेंगे कि भाई इतना पसीना क्यों आता है। और अगर आपकी मेरे जैसे नंबर वन प्रायोरिटी जो है वो कंफर्टेबल है तो ये गेमिंग हेडसेट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से गेमिंग हेडसेट ओनली टाइप का भी है, इसकी वजह से जब आप इसे लॉन्गर पीरियड टाइम तक यूज में लेंगे तो आपको कंफर्ट इश्यूज को भी फेस करना होगा। तो पर्सनली मुझे तो ये गेमिंग हेडसेट काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगा है। इस गेमिंग हेडसेट पर आपको ब्रेड केबल नहीं मिलेगी और ये 2 मीटर लॉन्ग है, और केबल पर ही आपको इनलाइन कंट्रोल भी मिल जाएगा, इसकी वजह से आप यही से वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा केबल पर आपको 3.5 mm प्लग मिलेंगे, इनमें से एक हेडफोन और दूसरा है माइक्रोफोन के लिए। तो अगर आप इसे अपने लैपटॉप में यूज में लेना चाहते हैं, अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ सिंगल 3.5 mm जैक है तो आपको एक USB साउंड कार्ड को यूज में लेना होगा। इस गेमिंग हेडसेट की साउंड क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो ट्रेबल जो है वो आपको कटआउट मिलेगा, कहने का मतलब ये है कि हाइस जो है उसको आप अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और बेस काफी लो है। म्यूजिक और गेमिंग एंजॉय करते समय तो साउंड क्वालिटी आपको लाउड और क्लियर मिलेगी, लेकिन फिर भी ये साउंड क्वालिटी जो है इस गेमिंग हेडसेट की बिल्कुल एवरेज है। इस हेडसेट के बारे में मुझे सिर्फ एक ही बात अच्छी लगी है, वो है इसका माइक्रोफोन। इस वाले पार्ट के ऑडियो को मैं इस हेडसेट के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि रिकॉर्डिंग करते समय आपको इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी किस तरह की मिलेगी। और मैं बोलना बंद करता हूँ, इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हेडसेट का जो माइक है वो कितनी बैकग्राउंड नॉइज को प्रोड्यूस करता है। तो इस वक्त इस हेडसेट का जो माइक्रोफोन है वो मेरे लैपटॉप की नॉइज को भी काफ़ी ज़्यादा पिक कर रहा है, और इस ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करने के बाद में आपको इस हेडसेट के माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह की मिलेगी। तो लगता है तो यही कि इस हेडसेट के माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो तो ठीक है और यूजेबल है। और अगर आप लो बजट के अंदर गेमिंग वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस हेडसेट का जो माइक है उसकी क्वालिटी भी चल जाएगी। क्वेश्चन ये GS410 गेमिंग हेडसेट जो है वो जेब्रोनिक्स के स्टिंगरे हेडसेट से ज़्यादा अच्छा है, और दोनों ही हेडसेट आपको सिमिलर प्राइस के अंदर भी मिलते हैं। और GS410 के बारे में मैंने ऑलरेडी एक फुल रिव्यू की वीडियो को बना दिया है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसके बारे में इन्फो आपको कमेंट सेक्शन या फिर इन्फो कार्ड्स के अंदर मिल जाएगी। इस वीडियो को अगर आपने एंजॉय किया है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहें तो मेरे साथ में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।